पता नहीं किसी किसी एक दिन निकलता, पता नहीं किसी किसी हम यहाँ पे जा रहे हैं। ये तो जाए उससे। बस पैसा नहीं है सर, मेरे घर को काम नहीं है, कुछ नहीं है। आप यकीन करें, बहुत अफसोस से आप। ना कुछ काम है, ना कुछ घर में बैठे हैं ऐसे बेरोजगार। आप वापस क्यों जा रहे हो? आप तो बत्ती भी पहनी हुई है। सर काम क्यों नहीं है? काम अभी क्राइसिस चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। जब आप वापस जाएंगे तो आप क्या करेंगे? पाकिस्तान में भी तो नौकरियां नहीं मिले आराम से। नौकरियां नहीं मिलेंगी, लेकिन हम अपनी फैमिली के साथ कुछ तब तक हमारा बेसिक नहीं है, बेसिक जीरो है, काम नहीं है, हम लोग के बेटे। ये सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मसला नहीं है, ये इस वक्त पूरी दुनिया का और मिडिल ईस्ट में जहां जहां हमारे पाकिस्तानी हैं वो इफेक्टेड है। अब ये देख रहे हैं आप कि ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लाइन जो है की गई है, ये भी चैलेंजेस है क्योंकि इतनी स्पेस, इतने सारे लोगों को इकट्ठा हैंडल करने के लिए पासपोर्ट वगैरह चेक होते हैं कि लिस्ट पे आपका नाम मौजूद है कि नहीं है, ताकि आप यू नो जो कौंसलेट ने आपको लिस्ट दी हुई है उसके मुताबिक लोगों को लाया जाता है। लोगों के अभी भी शिकवे शिकायात जो हैं वो बहुत सारे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग हैं वो वापस पाकिस्तान लौटना चाहते हैं। जैसे कि आपने कुछ सुना, अभी मैं आपको दूसरे लोगों के भी सुना रहा था कि नौकरियों का इशू आ गया है, इकोनॉमिक इशूज़ आ गए हैं, और ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह 60-70 हज़ार लोगों को पाकिस्तान पहुँचाया जाए जबकि अभी तक नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। वॉर लाइक सिचुएशन है, पेंडेमिक है ये सूरत हाल इस वक्त इतनी गंभीर है कि इसके अंदर हम सबको बहैसियत कौम, कम्युनिटीज, ह्यूमन बीइंग्स मिलकर काम करना होगा। तो इस वक्त रिसोर्सेज की लिमिटेशन है और काम जो है वो बहुत बड़ा है। सो लेट्स सी हाउ वी ऑल कैन वर्क टुगेदर मेकिंग श्योर दैट ऑल दीस पाकिस्तानीज गेट बैक होम। Find more news reports of this event, log on to expnews.com.pk.